हेलो फ्रेंड्स, सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों का लंबे समय से विरोध चल रहा था और आखिरकार सरकार को ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि ये 3 कानून हैं कौन से जिनका इतना विरोध हुआ। फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन प्राइस एश्योरेंस, या कहा जाए तो कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश के किसानों को उनकी उपज बेचने के लिए अधिक विकल्प मुहैया कराना मुख्य उद्देश्य था। ये कानून देश के किसानों को अच्छी कीमत पर अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता देता था। इसके अलावा यह राज्य सरकारों को मंडी के बाहर होने वाली उपज की खरीदी पर टैक्स वसूलने से रोक लगाता था। इस कानून के तहत किसान अपनी फसलों को देश के किसी भी हिस्से में किसी भी व्यक्ति, दुकानदार, संस्था आदि को बेच सकते थे। इतना ही नहीं, किसान अपनी उपज की कीमत खुद तय कर सकते थे। फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन प्राइस एश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल सर्विस एक्ट 2020, या कहा जाए तो कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। इस कानून के तहत देश भर के किसान बुआई या सोइंग से पहले ही तय मानकों और तय कीमत के हिसाब से अपनी फसल को बेच सकते थे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जुड़ा था। इस कानून को लेकर सरकार का कहना था कि इसके जरिए किसानों को नुकसान का जोखिम कम रहेगा। इसके अलावा उन्हें फसल तैयार होने के बाद खरीदारों को जगह जगह जाकर ढूंढने की भी जरूरत नहीं होगी। इतना ही नहीं, इसके जरिए देश के किसान समानता के आधार पर न सिर्फ खरीदार ढूंढ पाने में सक्षम होंगे बल्कि पहुँच बड़े कारोबारियों और निर्यातकों तक बढ़ जाएगी। एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, या कहा जाए तो आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020। फसलों के स्टोरेज और फिर उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 बनाया था। इसके तहत व्यापारी एक सीमित मात्रा में ही किसी भी कृषि उपज का स्टोरेज कर सकते थे। वे तय सीमा से बढ़कर किसी भी फसल को स्टॉक में नहीं रख सकते थे। नए कृषि कानूनों में आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू कई फसलों को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर कर दिया। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा, अकाल या ऐसी ही किसी विपरीत हालत के दौरान इन वस्तुओं के स्टोरेज पर कोई सीमा नहीं लगेगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सरकार ने इतने अच्छे नियम बनाए हैं तो हमारे देश के किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। इनसे होल्डर्स और बड़े कॉर्पोरेटरों को फायदा होगा। इसके अलावा किसानों के विरोध करने के पीछे और कई कारण भी थे। क्या आप इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने से खुश हैं? कमेंट में लिखकर बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी।